रमेश जी, जैसे कि आपने देखा अभी अभी हमारे बीच और आपके प्रिय नेता श्री रमेश जी एक ऐसी शख्सियत जिनको मंझेड़ा पंचायती नहीं जानती है, इनको पूरी जसिमपुर विधानसभा में इनका ऊंचे अक्षरों में इनका नाम लिया जाता है। और जिस तरह से इन्होंने बताया कि ये जब 21 वर्ष के थे तब से लेके मंझेड़ा की जनता की सेवा कर रहे हैं, बहुत ही सराहनीय है और ये लाजवाब है। 25 साल से एक पद के ऊपर आसीन रहना या टर्न बाय टर्न आना ये भी बड़ी बात है। और ये मैं समझता हूँ कि हमारे लिए, मैं तो एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी की बात भी जरूर करूँगा, क्योंकि यहाँ से सभी से पहले रमेश जी जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के मेंबर रहे हैं, ऊंचे होदों पर रहे हैं और अभी भी मैं प्रेजेंट में, मैं भी इस विधानसभा का जब ब्लॉक अध्यक्ष था मेरे बाद संजय राणा जी ब्लॉक अध्यक्ष रहे हैं, ये तो प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भी रहे। और आज जिस तरह से आपने और रमेश भाई जी ने इनके धन्यवाद यात्रा में पहली मर्तबा यहाँ आए और इनके साथ जो कमिटमेंट हुई, मैं राणा जी को भी इसका बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने ऐसी पंचायत को चुना जो कि प्रो कांग्रेस पंचायत रहती है और बहुत अच्छा सहयोग मिला है। परंतु इस बार ये भी सच्चाई से मैं बोलना चाहूँगा कि इस बार जो है सभी लोगों का जो आशीर्वाद है वो राणा जी को मंझेड़ा से मिला है, इसके लिए आप सब भी बधाई के पात्र हैं और राणा जी भी बधाई के पात्र हैं और रमेश जी भी बधाई के पात्र हैं। मुझे तो मौका दिया गया बोलने का तो मैं तो यही गुजारिश करूंगा, आज हमारे बीच जिस शख्सियत के बारे में आप चर्चा करने जा रहे हैं ये पूरे हिमाचल प्रदेश में आपकी पंचायत का जो नाम है, जो पहली मर्तबा मंझेड़ा 24 जो नाम पड़ा इसी बार पड़ा, एक दूसरे बाढ़ से आकर के संजय राणा जी ने मंझेड़ा बाढ़ को चुना, यहाँ से इन्होंने चुनाव जीता, बड़े अंतराल से जीता और इसके बावजूद मंझेड़ा का जो नाम है वो पूरे हिमाचल प्रदेश में गया। वो कैसे गया? जब संजय राणा जी को पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने सबसे बड़े जिला कांगड़ा जिला का इन्होंने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरा तो उसमें कांग्रेस पार्टी के पास बहुत कम मेंबर से रूलिंग पार्टी है, परंतु इन्होंने अपने जो हुनर दिखाया और उससे पूरे जिला परिषद 24 मेंबर्स के इनको वोट पड़े, उससे जो है पूरी हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है उनको आना पड़ा, जयराम जी को कांगड़ा में आना पड़ा, हस्तक्षेप करना पड़ा और इनको जो है थोड़े से वोटों से ये रह गए, नहीं तो जो मंझेड़ा बाढ़ था उसका नाम जो है जिला कांगड़ा में भी पूरे में गुजरा। तो इसके लिए भी मंझेड़ा वासी जो है और आपकी पंचायत के जो है जो नामांकन जिस नाम से हुआ है इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। तो मैं तो यही गुजारिश करूंगा संजय राणा जी से, और मेरा भी ये गृह क्षेत्र है और अमूमन इसी में आते जाते हैं, सभी जो लोग बैठे हैं सारे हमारे अच्छे दोस्त हैं, जो बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद भी हमें मिलता रहता है, मेरी माता बहनें सभी बैठी हैं। आपकी कोई भी जो भी पंचायत से रिलेटेड जितने भी काम होंगे, अभी 15वें वित्त योग में काफ़ी पैसा जो है वो जिला पार्षद के पास भी आएगा, 30% पैसा। तो मेरी संजय राणा जी से पर्सनली भी रिक्वेस्ट रहेगी कि राणा जी जब भी रमेश जी आपके पास आए या यहाँ से कोई भी मेरा भाई बंधु जो भी आए तो उनको आपने निराश आप नहीं करेंगे, मेरा ये मानना है, क्योंकि जितना प्यार आपको यहाँ से मिला है वो काबिले तारीफ है। आप सब ने मुझे यहाँ और खासकर रमेश जी आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत। थैंक यू।